क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्लास टेस्ट में क्या है, आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, और जब इनकरेक्ट होगा आंसर तो -2 मार्क्स क्या होंगे आपके, कट हो जाएंगे, ठीक है। एंड 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। अब मोहन है, उसने क्या किया, 4 के करेक्ट आंसर आए और 6 इनकरेक्ट आए, तो 4 और 6 10 होता है, ठीक है। तो मतलब पूरे उसने टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 4 करेक्ट है उसके, 6 क्या है, इनकरेक्ट है। तो व्हाट इज हिज स्कोर, तो हमें उसका स्कोर निकालना है कि उसने कितने स्कोर किए, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 4 करेक्ट आंसर। अब देखो करेक्ट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है उसके, एक अगर एक एक क्वेश्चन वो करेक्ट कर रहे हैं तो उसका उसमें कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स मिल रहे हैं। अब उसने कितने किए हैं करेक्ट, 4, तो इनटू 4 हो जाएगा, 5 4 20 मार्क्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मिल गए, 20 मार्क्स मिल गए टोटल, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे 4 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो इनकरेक्ट इनकरेक्ट कितने किए थे हमने, 6 क्वेश्चंस, तो 6 इनटू क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखो -2 है, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स है, -2 है, तो 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना हो जाएगा, 6 इनटू -2 करेंगे तो 6 टू जाएगा कितना हो जाएगा, ये 12, इसका मतलब -12, ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो यहां पे लिखेंगे टोटल, टोटल स्कोर्स कितने हो जाएंगे, 20 में से हम माइनस ऐड करेंगे ना सबको, 20 प्लस -12 है, जो इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं इनको भी और जो करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं इनको भी हमने टोटल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस माइनस का ये माइनस 12 आएगा, 20 माइनस 12 कितना होता है, 8 मार्क्स। तो टोटल स्कोर कितना किया उसने, 8 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट इसका, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। अब उसके बाद रेशमा है, उसने क्या किया, 5 करेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो हमें उसका स्कोर बताना है कितना होगा, तो देखो सॉल्व करेंगे, अब यहां पर लिखेंगे 4 करेक्ट आंसर्स, स्कोर कितना होगा, करेक्ट आंसर के लिए स्कोर कितना होगा, यहाँ पे कितने करेक्ट आंसर्स हैं, 5 है, और एक करेक्ट आंसर के लिए कितना स्कोर है, 5 मार्क्स का, तो 5 × 5 हो जाएगा कितना, 25 मार्क्स। तो मतलब जब उसने 5 करेक्ट आंसर किए तो उसके 25 मार्क्स मिले उसे। यहाँ पे फिर लिखेंगे 4 इनकरेक्ट आंसर। अब इनकरेक्ट आंसर कितने दिए उसने, 5 दिए ना, 5 इनकरेक्ट आंसर है, इनटू करेंगे तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या, -2 कट होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × -2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो इसका मतलब -10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर क्या होगा फिर, 25 प्लस करेंगे -10, तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस माइनस का ये -10, कितना आएगा ये, 15 मार्क्स। तो इसका मतलब जो रेशमा है उसको टोटल स्कोर कितना हुआ, 15 मार्क्स का, ठीक है। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, लास्ट वन है यहाँ पे, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। अब हीना एक लड़की, उसने क्या किया, 2 करेक्ट आंसर दिए और 5 क्या दिए, इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस में से उसने क्या किए, 2 करेक्ट दिए और
5 इनकरेक्ट दिए, इसका मतलब 10 क्वेश्चन थे, तो 10 में से उसने 7 अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो 3 क्वेश्चंस के तो सीधे 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें उसका स्कोर बताना है कितना होगा, सॉल्व करेंगे, 4, करेक्ट आंसर, अब देखो करेक्ट आंसर कितने थे, 2, तो 2 इनटू क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने कितने मार्क्स है, 5, तो 2 5 में कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स, ठीक है, और 4 इनकरेक्ट आंसर, अब इनकरेक्ट आंसर कितने थे, 5 थे, तो 5 इनटू कितना हो जाएगा यहां पे, -2, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 था ना, तो 5 में से कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे -10 मार्क्स, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे -10 करना है, तो 10 -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0, तो जो हीना है हमारी उसने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए और सॉरी कितने स्कोर किया उसने, 0 स्कोर, ठीक है, बिकॉज उसके क्या हो गए, 5 क्वेश्चन जो उसने इनकरेक्ट किए थे, तो वो उसका तो -10 आएगा मार्क्स, ठीक है, -10 कट होंगे उसके, ठीक है, इनकरेक्ट करने से, और करेक्ट वाले उसके कितने हैं, 10 मार्क्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 पर बैग, ठीक है, एक सीमेंट कंपनी है वो जब क्या करती है, 8 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है, किस पे, व्हाइट सीमेंट बैग जब वो सोल्ड करती है, ठीक है, एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बैग, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि एक सीमेंट कंपनी है जो कि व्हाइट सीमेंट बैग और ग्रे सीमेंट बैग्स को क्या कर रही है, सोल्ड कर रही है, तो व्हाइट सीमेंट बैग पे वो 8 रुपीज पर बैग के हिसाब से प्रॉफिट लेते हैं, और ग्रे सीमेंट पे वो क्या करते हैं, 5 रुपीज पर बैग के हिसाब से वो वहां पे लॉस होता है उनका, ठीक है, तो ए पार्ट इसका, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ए कंपनी ने, फिर कंपनी ने क्या किया, 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के सोल्ड किए, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, एक मंथ में उन्होंने इतना क्या किया, सोल्ड किया, तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है, इन दोनों में से क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट वाला देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, अब देखो व्हाइट सीमेंट बैग का हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा था ना, तो कितने व्हाइट सीमेंट बैग के हमें सोल्ड, 3000, तो 3000 इंटू कर देंगे क्या, अब एक व्हाइट सीमेंट बैग कितने का था, 8 रुपीज का प्रॉफिट था एक पे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 24000, कितने रुपीज का क्या होगा, इस पे प्रॉफिट होगा व्हाइट सीमेंट में, लॉस में निकालेंगे इसी तरीके से, लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स, ठीक है, तो ग्रे सीमेंट बैग का, अब देखो 3000 बैग्स तो व्हाइट सीमेंट के बेचे उन्होंने, और 5000 क्या किए, ग्रे सीमेंट बैग्स बेचे, तो 5000 पे कितने का एक बैग पे कितने का लॉस आ रहा था, 5 रुपीज का, तो यहाँ पे 5 सेंट को कर देंगे, तो कितना हो जाएंगे, 25000, तो यहाँ पे देखो जो लॉस है हमारे पास वो प्रॉफिट से क्या है, ज्यादा है ना, ये 25000 है, ये 24000 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ से हमारा लॉस कितने का निकलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25000 माइनस 24000, कितना हो जाएगा, ये 1000 रुपीज, ठीक है, तो 1000 रुपीज का हमें क्या होगा, टोटल लॉस आएगा 1000 रुपीज का, ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, तो पार्ट बी देखेंगे इसका। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट्स इन एन बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें कितने नंबर ऑफ व्हाइट्स इन एन सेल करने हैं जो हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। अगर हमने ग्रे बैग्स को कितना सोल्ड किया है, 6400 बैग्स हमने क्या कर रखे हैं। अगर ग्रे सीमेंट वाला 6400 बैग्स हमने सोल्ड कर रखे हैं तो हमें कितने व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड करने होंगे जो हमें प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। तो देखो, अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं चाहिए हमें तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो, लॉस वाला कौन सा है, ग्रे बैग वाला है ना। तो कितने बैग हैं ग्रे वाले, 6400 बैग्स हमने ग्रे वाले सोल्ड किए। कितने रुपए में कितना लॉस हुआ वहाँ पे, 5 रुपीज पर बैग का लॉस है। तो 6400 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रॉफिट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट क्या होगा, हमें नंबर्स ऑफ वाई सीमेंट बैग निकालने हैं जितने हमने सोल्ड किए। ठीक है, और रुपीज क्या रखेंगे, 8। तो 8 इंटू उसको लेट कर लेते हैं एक्स कि हमने यहाँ पे लिख सकते हो आप, लेट एक्स इज नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड। ठीक है, तो एक्स क्या है हमारा, एक्स हमने लेट किया नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग हमने जितने सोल्ड किए उतना हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5 0 के 0 5 4 20 5 4 20 कैरी 2 5 6 30 30 और 2 कितना होता है 32। तो 32,000 आ रहा है यहाँ पे। और इस 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन में लेके जाएंगे। तो 8 से 32 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 32 मतलब कितना आ रहा है, 4000। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4000 बैग्स। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने क्या किया, 6400 बैग्स सोल्ड किए वो भी ग्रे सीमेंट के। ठीक है, तब हमें व्हाइट सीमेंट बैग कितने सोल्ड करने पड़ेंगे, 4000 बैग्स करने पड़ेंगे जब अगर हमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट भी और लॉस भी क्या होगा, उस कंडीशन में इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक है हमने क्या करना है, एक इंटीजर रखना है जो आंसर क्या आ जाए हमारे पास, जो यहाँ पे दे रखे हैं ये आंसर आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे -3 है तो -3 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 27 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 27 को डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना आता है, 9। अब यहाँ पे 9 रखेंगे, बट अगर 9 ही 9 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए बट यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 9 पुट करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से -35 है और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 7। अब यहाँ पे 7 रखेंगे तो 5 7 35, बट यहाँ पे माइनस भी है तो 7 के साथ माइनस भी हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे -8 है तो अब 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 7। तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये 132 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब 12 के साथ 132 से हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 11। ठीक है, तो 11 आ रहा है आंसर। तो 11 को ऐसे रखेंगे इधर तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और यहाँ पे फिर माइनस आना चाहिए बट यहाँ पे प्लस आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पुट करोगे इन्हें।